नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है जिसकी ओर सबका ध्यान लगा हुआ है। मुंबई पुलिस बेहद नाजुक हालत से गुजर रही है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई पुलिस बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। मुंबई पुलिस ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार भी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह 1987 बैच के अधिकारी हेमंत नागराले को नया कमिश्नर नियुक्त किया है। और उन्होंने ये बात ज्वाइन करते हुए, जैसे ही उन्होंने अपने पोस्ट को हैंडल किया, जैसे ही उन्होंने उसको ज्वाइन किया, उन्होंने ये वाली बात कही कि मुंबई पुलिस बेहद नाजुक हालात से गुजर रही है। जाहिर है, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को मेंटेन करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सारा मामला, और आप मेरे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में, क्योंकि आपको मैं सारे मामले की जानकारी दूंगी। और भी कई सच हैं जिन्हें आप जानना चाहेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोट मिलने के केस और इससे जुड़े मनसुख हिरेन की मौत के मामले में काफी तेजी आ गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जल्द ही कोई खुलासा होने वाला है। विस्फोटक मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, और मनसुख की मौत के मामले की जांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है। और एनआईए लास्ट नाइट एनआईए जो लास्ट नाइट सस्पेंड किए असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे थाने लेकर आई है, वहां पे कई जगहों पे उनके जो भी उन्होंने उनको लगा उस सीन को रिक्रिएट किया गया। और देर रात एनआईए की दो टीमों ने वजे के घर की तलाशी मिली। इसमें कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और उनकी सोसाइटी के लोगों से पूछताछ भी की गई है। इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे और डिप्टी पुलिस कमिश्नर क्राइम प्रकाश यादव का बयान भी एनआईए की टीम दर्ज करेगी, क्योंकि उनके बयान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस पूरे मामले में। एनआईए जानना चाहती है कि किसके कहने पे वजह को स्कॉर्पियो मामले की जांच सौंपी गई, क्योंकि ये मैटर अपने आप में बेहद गंभीर है। एक व्यक्ति जो एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और उसी को उसकी जांच सौंप दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें दिमाग में आना लाजमी है। एनआईए भारंबे और जाधव के बयान को काफी अहम मान रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह के निर्देश पर वजह को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। ऐसे में जांच की आंच परमबीर सिंह पर भी आ सकती है। उन्हें भी अब अपने को साबित करने के लिए, बचने के लिए इस बात का जवाब देना होगा, क्योंकि जुडिक्शन नहीं होने के बावजूद सचिन वजे को क्यों ये मामला सौंपा गया? बड़ी जाहिर सी बात है, ये बात सवाल दिमाग में आना एक बहुत लाजमी सी बात है। एनआईए का कहना है कि सचिन वजे ने ही अपने साथ काम करने वालों को अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने का आदेश दिया था, और उनके कहने पे ही एपीआई काजी सोसाइटी के लोगों को उन्होंने लेटर लिखा, और सीसीटीवी नष्ट करने का आदेश भी वजह का ही था। वह अपना रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर करना चाहते थे। देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस का जो अधिकारी होता है, जो इस लेवल पे होता है, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 63 एनकाउंटर किए और भी कई बड़े बड़े मामले उन्होंने हैंडल किए, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने बचाव में क्या करना है ये सब उन्हें पता ही होगा। खैर, मुंबई पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीआईयू के प्रभारी रहे वजह को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वजह ने पूरी साजिश किसके इशारे पे रची है, एनआईए इसकी भी जांच कर रही है। एपीआई रियाज काजी समेत कई पुलिस कर्मी वजह के साथ उनके साथ शामिल थे या नहीं, इसकी भी जांच चल रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की संभावना जताई जा रही है। आज का दिन मुंबई पुलिस के लिए बेहद खास है, क्योंकि हो सकता है कि शाम होते होते बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट जो है आपके सामने हम लेकर के आए। मनसुख की फॉरेंसिक
डाइन टर्म रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और रिपोर्ट में मनसुख के फेफड़े में पानी भरने की बात कही जा रही है। ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। ये भी कहा गया है कि इससे पहले कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी अस्पताल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फेफड़े में पानी भरने का जिक्र नहीं हुआ। ये दोनों रिपोर्ट अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, क्लैश कर रही हैं इनकी रिपोर्ट्स जो हैं। और ये भी मालूम चला है कि एंटीलिया केस में सचिन वजे की मिलीभगत होने की बात सामने आने के बाद महाराष्ट्र एटीएस अब कुछ खास एंगल है जिन पे वो जांच करने वाली है। मैं आपसे वो एंगल भी शेयर करती हूँ कि वो एंगल क्या है। क्या भेद खुलने के डर से मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, एक बात। क्या वजह ने शबनम में पहले मनसुख को शामिल किया था और भेद खुलने के डर से मनसुख की हत्या कर दी, दूसरी बात। क्या मनसुख पैसों के लालच में पहले इस खेल का हिस्सा बना और फिर डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, तीसरी बात। और एक और बात है, क्या मनसुख सिर्फ एक मोहरा था और सचिन वजे ने उसे दोस्ती के बहाने अपने इस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। इन एंगल पे जांच हो रही है और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह 1987 बैच के अधिकारी हेमंत नागराले को नया कमिश्नर नियुक्त किया है और पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने जो टिप्पणी करी वो काफी सोशल मीडिया पे भी फ्लोट हो रही है। मुंबई पुलिस बेहद नाजुक हालत से गुजर रही है। नागराले ने आगे ये भी कहा कि अभी मुंबई पुलिस कुछ बुरी घटनाओं के कारण अशांति के दौर से गुजर रही है, जांच चल रही है, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम मुंबई पुलिस के गौरव और ख्याति को भी फिर से प्राप्त करेंगे, हम कानून के अनुसार काम करेंगे और मैं सभी अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे कानून के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब ये भी जानना जरूरी है कि पूरा जो मामला है वो क्या है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित इंटेलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। 24 फरवरी की मध्य रात 1 बजे ये गाड़ी इंटेलिया के बाहर खड़ी की गई थी और दूसरे दिन गुरुवार को पुलिस की नजरें इस ओर गईं और कार में से 20 जेलेटिन की रॉड बरामद की गई। इसी मामले में बाद में CIU के हेड रहे सचिन वजे को अरेस्ट किया गया था। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद होता है और कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र ATS ने मनसुख की हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हम रुक करते हैं उस और परमवीर सिंह की ओर। हम देखते हैं कि उन पे कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। एंटीलिया केस में सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद अब परमवीर सिंह जो है उन पे भी शिकंजा कस रहा है, उन पे काफी आरोप लग रहे हैं। 16 साल तक सस्पेंड रहने के बाद 6 जून 2020 को परमवीर सिंह के आदेश पर ही वजह को फिर से API के पद पे बहाल किया गया था। ये अपने आप में बहुत खास बात है और ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जैसे बेहद महत्वपूर्ण पद पे बतौर चीफ तैनात कर दिया गया और भाजपा का इसमें आरोप भी था कि सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कई सीनियर अधिकारियों के होने के बावजूद API सचिन वजे को CIU का हेड परमवीर सिंह ने बनाया। परमवीर सिंह ने चर्चित TRP घोटाले, इंटीरियर डिजाइनर नव्य नायक की आत्महत्या में रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने, कंगना और ऋतिक के बीच ईमेल विवाद, रैपर बादशाह के फेक फॉलोअर बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मामले बिना ज्यूरिडिक्शन के सचिन वजे को सौंप दिए, उनको कह दिया कि आप इन्हें हैंडल करिए। नियम के मुताबिक CIU पुलिस के प्रमुख होने के बावजूद सचिन वजे की रिपोर्टिंग अपने सीनियर इंस्पेक्टर या DCP को होनी चाहिए थी, लेकिन वो हर मामले में अपनी रिपोर्टिंग जो है वो परमवीर सिंह को करते थे। इसी से ये शुभ होता है कि उन दोनों की आपस में जो ट्यूनिंग थी वो काफी अच्छी थी और उसी का नतीजा है कि उनके साथ वजह के साथ अब परमवीर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। परमवीर सिंह के बारे में भी थोड़ी सी बात जान लेते हैं। 1988 के बैच के IPS अफसर परमवीर सिंह संजय बर्वे की जगह मुंबई
पुलिस के कमिश्नर बने थे। इससे पहले वे भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक के तौर पे तैनात थे और कई बड़े प्रोफाइल में उन्होंने काम किया हुआ है इससे पहले, और अंडरवर्ल्ड के साथ भी उनके अच्छे खासे कहना चाहिए कि उन्होंने कई केस हैंडल किए। 1988 बैच के आईपीएस अफसर परमवीर सिंह संजय बर्वे की जगह जब पुलिस कमिश्नर बने थे तो उन्हें अंडरवर्ल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे माना जाता था क्योंकि उन्होंने उनसे जुड़े हुए कई केस हैंडल किए थे। दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट डेलिया केस में और सचिन वजे को लेकर के और अफसर जो आईपीएस अफसर हैं परमवीर सिंह को लेकर के। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो शाम तक हमें और मिल सकते हैं, तो मैं उन अपडेट्स के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ख़ास बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।